70 साल से धारा 370 को एक अनोरस बच्चे की तरह संभाल कर रखी थी। मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को खत्म कर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 10-10 साल तक ये सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, एक शब्द मनमोहन सिंह के मुंह से नहीं निकलता था। 2014 में आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने कश्मीर को अलग नजरिए से देखने का स्वर्ग। उनके समय में भी पुलवामा और उरी हुआ, मगर 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है कि हमारे देश की सेना और हमारे देश की सीमा उसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना जवाब सहन करना पड़ता है। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने की। ये हमारे महाराष्ट्र के यहां से थोड़े दूर तक कभी नक्सलवाद फैला हुआ था, मोदी जी के 10 साल में महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्यों से नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे नांदेड़ वालों बताओ जरा, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो जरा, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटका कर बैठी थी। नरेंद्र मोदी जी ने 1924 के बीच में 5 ही साल में जजमेंट भी आया, भूमि पूजन भी हुआ और 22 जनवरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा भी करने का काम समाप्त हो गया। और 500 साल के बाद पहली बार रामलल्ला 17 तारीख को रामनवमी के दिन अपना बर्थडे भव्य मंदिर में बनाएंगे, टेंट में नहीं बनाएंगे।